सब्सक्राइब कीजिए बेसिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब आप इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते होंगे तो मे बी आपके माइंड में आता होगा इकोनॉमिक्स मतलब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट या फिर ऐसी कोई चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है। हाँ, इसका कुछ पार्ट फाइनेंस से रिलेटेड है, बट मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स इन सबसे अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करें तो इस वर्ड से स्टार्ट होती है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मतलब कमी। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं एंड हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो हम हमारी हर एक वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी। सपोज आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही चीज़ें चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक चीज़ को खरीदने के ही पैसे हैं, तो ऐसे में आप लैपटॉप एंड मोबाइल में से एक चूज़ करने के लिए फोर्स हो जाओगे। अगर मान लो हमारे पास दोनों ही चीज़ों को खरीदने के पैसे हैं, तब भी हमें चॉइस करनी पड़ती है, या तो इन चीज़ों में या फिर किसी और चीज़ों में। तो बेसिकली मेरा मतलब है कि हमारे पास हमारी हर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड पैसा नहीं है, राइट? एक और एग्जांपल स्केर्स रिसोर्स का, टाइम। मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है एंड आपको मूवी भी देखनी है, तो एक टाइम पे या तो आप पढ़ोगे या मूवी देखोगे, एक साथ तो दोनों चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप दोनों काम एक के बाद एक कर सकते हो, लेकिन दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और एक काम करने के लिए हमें कई और काम जो हमें करना चाहते हैं उनको अपने शेड्यूल से हटाना पड़ता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइम के लिए चॉइस लेनी पड़ती है कि हम हमारे कीमती समय कौन से काम में लगाना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म में हम इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, वट एवर वी गिव अप टू डू समथिंग। इकोनॉमिक्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं उनके पास स्केयर्स रिसोर्स हैं उनके लिए। सिर्फ लोग ही नहीं, ये सिचुएशन हर बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है। रिसोर्सेज को एलोकेट करते वक्त इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हर इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हाट टू प्रोड्यूस के दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट है विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस। इसके अंदर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन से कंज्यूमर गुड्स लाइक राइस, व्हीट, क्लोथ्स एटसेट्रा एंड कौन से कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा को प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक बार डिसाइड करने के बाद कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उनकी क्वांटिटीज को भी डिसाइड करना पड़ता है। हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ किया जाता है एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा कैपिटल एंड मशीन्स का यूज़ किया जाता है। अब इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर की जाती है क्योंकि लेबर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एंड कंट्रीज लाइक यूएसए, इंग्लैंड, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर की जाती है क्योंकि इन कंट्रीज में लेबर की शॉर्टेज है। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इस प्रॉब्लम में ये चूज करना पड़ता है कि कौन सी क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, रिच क्लास या पुअर क्लास, उनकी पेइंग कैपेसिटी यानी इनकम लेवल के हिसाब से। इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं लोगों की चॉइसेस के बारे में, कि कौन से फैक्टर हैं जो उनकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड कैसे उनका डिसीजन मार्केट में गुड्स की प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस के हिसाब से हम ये सब स्टडी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने वर्कर्स को हायर करना चाहिए, या फिर हमारा कॉम्पिटिटर अगर मई में प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है तो हमें कब रिलीज करना चाहिए। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं होल नेशन के आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड ग्रोथ के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैक्रो इकोनॉमिक्स से इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है, जैसे क्या टैक्सेस बढ़ने से देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, क्या मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होने से आउटपुट भी इंक्रीज होगा या सिर्फ इन्फ्लेशन, या फिर अगर एक कंट्री में रिसेशन आता है तो दूसरी कंट्रीज क्यों इफेक्ट हो जाती हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में बिल्कुल सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, जो कि कॉमन मैन की लाइफ से रिलेट करती है एंड जिनके बारे में हर एक पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।